हाय एवरीवन, वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। वेलकम टू माय लाइव। आपके जो भी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर शेयर बटन आ रहा होगा, वो शेयर बटन सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर ज़रूर प्रेस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करिए। और मुझे ज़रूर यहाँ पे बताते जाइए, डन लिखते जाइए जब शेयरिंग हो जाएगी। हाय पलक जी, इंस्टाग्राम पे लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं, फेसबुक पे अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा। हाय वर्षा जी, यू आर द फर्स्ट वन हु आई कैन सी ऑन फेसबुक। स्नोबर मसनू, हाय। हाय पूजा जी, हाय धरती जी, हाय पुष्पा जी, हाय श्वेता जी, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू डूइंग। लॉन्ग वीकेंड आ गया है। हाय वर्षा जी, व्हाट आर योर प्लान्स, क्या प्लान है इस वीकेंड के। हाय रेगीना जी, हाय गुरकी पाल जी, हाय पारुल जी, हाय स्वाति जी, बहुत लाइन्स मेरे हैं। हाय रीना जी, जो बोल रहे हैं कि यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कुछ ये प्लान है, वो प्लान है, बाहर के मीन्स क्या ले लें, वो सब क्वेरीज पूछ रहे हैं, तो उससे मुझे पता चलता है लोगों के प्लान्स हैं। सोनिया जी, हेलो मैम, हैंड फैट लॉस एंड बेली फैट लॉस के बारे में बोलिए कुछ। सी, बेली फैट लॉस के बारे में मैंने सोनिया जी डिटेल में लाइव वीडियो भी बनाया था, वो आप देख सकते हैं। बाकी सिर्फ डाइट से आप स्पेसिफिक कोई बॉडी पार्ट्स पे सोचते हो ना कि फैट रिडक्शन हो जाए, स्पॉट रिडक्शन हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट लॉस होगा थ्रू आउट द बॉडी होगा, राइट, फ्रॉम योर फेस टू योर काफ मसल्स, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट रिंग, मेरे पास रिंग फिंगर्स होती है ना, आपकी जो फिंगर्स, आप देखोगे कि रिंग्स लोगों की लूज़ हो जाती है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि मैम खर्चा बढ़ा दिया, अब नई रिंग लेनी पड़ेगी। सो या दिस इज़ व्हाट हैपन्स। आपका ओवरऑल आप देखोगे आपकी जॉ लाइन दिखना शुरू हो जाती है, आपकी फिंगर्स भी आप देखोगे कि हो जाती हैं उस तरह से। इनफैक्ट आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो अराउंड 6-7 मंथ में मेरी रिंग टाइट होने लगी थी, सो मैंने उतार दी थी। और इवेंचुअली आप वेट शेड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो फिर आना शुरू हो जाती है। कविता जी बोल रही है शेयरिंग डन। हाय आकांक्षा जी, हाय दीपिका जी, आपके नाम के आगे टैग आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि आप शेयरिंग सबसे ज़्यादा कर रहे हो, सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। आपकी वीडियो देखने के बाद भी ओवर ईटिंग कम नहीं हो रही है। सी, वीडियो देखने के साथ साथ वो मोटिवेशन लेना इंपॉर्टेंट है। कई बार आप मुझे, आप यू आर सो फिट, मीनाक्षी जी बोल रही, थैंक यू सो मच। अगर सी, अगर आपको लग रहा है कि मैं फिट हूँ या आप किसी और को देख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हो मेरे क्लाइंट्स की, तो ट्रस्ट मी, उसके लिए एफर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आई नो डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, वो फिट बॉडी चाहते हैं, वो फिट लगना चाहते हैं, अपने मनपसंद की ड्रेसेस पहनना चाहते हैं, वो एक ब्लैक ड्रेस होती है सभी के वार्डरोब में जो फिट नहीं हो रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि ये जब मैं फिट हो जाऊंगी तब मैं ये ब्लैक ड्रेस डालूंगी, राइट। बट उसके लिए अगेन, यहाँ तक आपके टेस्ट बड्स हैं, जब वो आप जंक फूड खाते हो, अनहेल्दी खाते हो, उसके आगे आपकी बॉडी है। अगर आप उसके आगे अपनी बॉडी को रखोगे ना, ट्रस्ट में आपको उस तरह से क्रेविंग्स नहीं होंगी कि आप अनहेल्दी खा लो। व्हाट फिजिकल एक्टिविटी यू डू, मैं सिर्फ वॉकिंग में बिलीव करती हूँ, मैं और कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हूँ कि मैं बोलूँ मैं बहुत जिम कर रही हूँ, मैं डंबल्स उठा रही हूँ, नहीं। मेरा सिर्फ वही फोकस रहता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। खाने में क्या खाना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अमेजिंग चीज़ें, तो उस वजह से क्रेविंग्स भी नहीं होती है, विच आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली ऑल्सो, प्लस क्लाइंट्स का भी ये फीडबैक रहता है। आयशा जी बोल रही है मैम, खाना खाने के कितने टाइम के बाद एक्सरसाइज करना चाहिए। आयशा जी, एक्सरसाइज करने का टाइम, स्पेसिफिकली वॉकिंग करने का टाइम, मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम तो रहता है एम्प्टी स्टमक आप करो, राइट। उसके बाद आप जो भी टाइम चूज करते हो, दैट इज़ योर सेकेंड प्रायोरिटी। बेस्ट टाइम अगर आप बात कर रहे हो तो वो ज़्यादा है। रेशु जी बोल रहे हैं मैम, यू प्रोवाइड रेसिपीज ऑल्सो वेन वी टेक प्लान। येस, मैं रेसिपीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ रेशु जी, मेरे क्लाइंट्स जो भी ज्वाइन करते हैं, कितनी सारी। तो अभी मैंने कल आपके साथ पूछा था कि क्या ड्रिंक मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया, बहुत इजी नंबर था, व्हाट्सएप नंबर कोई पूछ रहे हैं दिलप्रीत जी, 8800772120 ये मेरे नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कल रेसिपी शेयर करी थी आप लोगों के साथ, गेस करने को बोला था, मैक्सिमम लोग गेस कर पाए, छास थी, यस, मेरी हेल्दी ट्विस्ट के साथ। जल्दी ही मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे इस तरह से लाइव पे, हम कनेक्ट होते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, मुझे पता चलता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने आइसक्रीम की बात करी थी, मैंने आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी थी, आइसक्रीम विदाउट शुगर, आइसक्रीम विदाउट क्रीम, जस्ट इमेजिन कितनी हेल्दी आइसक्रीम हो सकती है। इसी तरह से आपने मुझे समर ड्रिंक्स का बोला था, वो मैंने आपके साथ अभी रिसेंटली कल शेयर किया था। मैम, डाइट करने से फेस खराब हो जाता है, रिंकल्स आ जाती हैं। प्रीति जी, अगर आप क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हो, हर डाइट प्लान इज इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, सम वेन इज सेइंग थैंक यू सो मच। तो आप देखोगे
कि आपको ये सब इश्यूज आते हैं कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, आपका फेस खराब हो जाएगा, सैगिंग होनी शुरू होगी है. इनफैक्ट आप क्या देखते हो कि वेट लॉस हो गया है, लेकिन पता क्या होता है फीमेल्स के साथ, मेल्स के साथ, कि आपका लटक जाएगा, आपकी चर्बी की आर्म्स हैं यहाँ पे ऐसे फ्लैश एकदम लटकना शुरू हो गया, सैगिंग होगी है, ये टमी है, ये बल्ज आउट कर रही है, प्रोट्रूडिंग बेली हो गई है, ये सैगिंग होनी शुरू हो गई है. लेकिन आप बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर रहे हो तो ट्रस्ट मी आपका फैट लॉस होता है, क्योंकि मसल मास आप लूज़ नहीं कर रहे होते तो उस वजह से ये इशू नहीं होता है, सैगिंग का कोई इशू नहीं होता है. हाय सरबजीत जी, हाय नेहा जी, आपकी जो भी डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर पूछते रहिए, आई बी हैप्पी टू आंसर. नंबर पूछ रहे हैं आरती जी, मेरा नंबर है 8800772120. सबसे ज़्यादा शेयरिंग करते रहिए, फिर अमेजिंग से आपके लिए यम्मी सी रेसिपी लेकर आऊँगी मैं. बट उसके लिए मुझे आपको इंस्पायर करना होगा, मोटिवेट करना होगा, एटलीस्ट 1000 होने चाहिए शेयरिंग. मैम मुझे 5 kg कम करना है, पुष्पा जी बोल रही हैं, आप एनरोल कर सकते हैं. नेहा जी का भी सेम ही क्वेश्चन है, मुझे वेट लॉस करना है, एनरोल कर सकते हैं आप मेरे डाइट प्लान के बारे में. बाकी ट्यूसडे को मुझे बताइए कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो, किसके बारे में आप इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ. यहाँ पे जल्दी जल्दी मुझे बताओ, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसी पे ही हम बात करेंगे. वॉकिंग कितनी देर करनी चाहिए, आधा घंटा, एक घंटा, जितना आप कर सकते हो. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द की. ऐसा नहीं एक दिन किया, दो दिन किया, वो तो हम 2 घंटे वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और उसके बाद फिर छोड़ दिया. जो कर रहे हो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो, चाहे आप डाइट कर रहे हो, चाहे आप सोने की बात कर रहे हो, स्लीप साइकिल है. ऐसा नहीं कि कोविड में स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया था, वो आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है. नेहा जी बोल रही है, आई हैव अल्सरेटिव कोलाइटिस, प्लीज सजेस्ट सम डाइट. अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूजुअली कई बार क्या होता है आपका, क्योंकि गट जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको बहुत एल्कलाइन डाइट चाहिए होती है. बट कई बार आप हाई फाइबर डाइट लोगे, रॉ फूड्स लाइक फ्रूट सैलेड वो कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम कम रखते हैं या फिर स्टीम करके सॉटे करके तब लेते हैं, या फ्रूट का स्ट्यू बना के लेते हैं, इस तरह से लेते हैं. बाकी नॉर्मल जितना लाइट खाना होगा, जितना फ्रीक्वेंट मील्स होते हैं ताकि गैस्ट्रिक ट्रबल आपको ना हो, ताकि आपको अगेन डाइजेस्टिव इश्यूज ना हो, उस तरह की डाइट आपको दी जाती है. बेसिक पॉइंट ये रहता है कि आपका जो डाइट है वो एल्कलाइन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए. मुझे वेट बढ़ाना है, यहाँ पे बोल रहे हैं कोई, वेट बढ़ाने के लिए अगेन डिपेंड करता है. अगर आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है उसके अकॉर्डिंग डाइट आपको सजेस्ट की जाती है. अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उस वजह से आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग डाइट दी जाती है. बट मेरे पास जो वेट गेन के भी क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं इस तरह से नहीं देती कि आइसक्रीम दे दी, पिज्ज़ा दे दिया, बर्गर दे दिया, जंक फूड दे दिया बाहर का. जो होता है मेरी हेल्दी रेसिपीज होते हैं. सरबजीत जी बोल रहे हैं, आई हैव नो प्रॉपर स्लीप साइकिल, प्लीज सजेस्ट सम मेजर. सरबजीत जी, स्लीप साइकिल के ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे प्लीज़ वो भी बताओ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सी, उसके लिए एक बायोलॉजिकल पैटर्न सरबजीत जी आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करें आप एंड नो वाट अ वॉट. अब कई बार क्या होता है कि लोगों का ये होता है आर्ग्यूमेंट कि मैम रात को नींद ही नहीं आ रही है तो क्या करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, गेट अप एट 5, गेट अप एट 6, नो मैटर व्हाट. अपने आप एक दिन दो दिन ट्राई करोगे, हफ्ता ट्राई करोगे, कितने दिन आप नहीं सोओगे, आपको अपने आप नींद आनी शुरू होगी. बट उसके लिए ये है कि आप बाद में नैप ना लेने, चाहे आफ्टरनून में, मॉर्निंग आवर्स में, इवनिंग आवर्स में. हम गलती ये करते हैं, हम उस टाइम नैप ले लेते हैं, सो वी मेक अप फॉर द स्लीप. तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि अब वो स्लीप जो साइकिल था आपका, रात को नींद पूरी नहीं हुई, बट यू हैव मेड अप फॉर दैट, तो वो रिकवरी हो गई है. बट वो होती नहीं है, राइट? यू कैन नॉट मेक अप फॉर अ गुड नाइट स्लीप. आपको मैं बताऊं साइंटिफिक डेटा क्या कहता है, 1 घंटे की स्लीप आपकी डिस्टर्ब होगी. सपोज आप सिर्फ आज 4 घंटे सोए, यूजुअली आप 5 घंटे सोए थे, जो कि आइडियली होना चाहिए आई बिलीव 6 से 7 घंटे, बट लेट्स इमेजिन 1 घंटा आपकी स्लीप कम हो गई, डिस्टर्ब्ड रही, कुछ भी है, अगले 4 दिन वो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, राइट? जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगेंगे, फ्लैटुलेंस लगने लगेगा, ब्लोटिंग लगने लगेगा, कभी एसिडिटी फील होने लगेगी. सो दैट इज द साइंटिफिक डेटा अराउंड इट, दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट स्लीप इज. सेकेंडली, आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं होती है तो आपका हार्मोनल इश्यूज होने लग जाते हैं. आपका जो ग्रेलिन हार्मोन है, विच मींस विच इज योर हंगर हार्मोन, जो आपको हंगर इंड्यूस करता है, आपको फील होता है कि मुझे भूख लग रही है, वो बढ़ जाता है रात के टाइम. और आपका जो लेप्टिन हार्मोन है, जो आपको सेटाइटी फील कराता है कि हाँ मेरा पेट भर गया है, वो कम हो जाता है. तो विच मींस आपको लेट नाइट बिंजिंग का मन करता है, बिंज ईटिंग, हैंस द बिंज ईटिंग, बिंज डिसऑर्डर्स. लेट नाइट आप मंचिंग करोगे अनहेल्दी खाने के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो वेट गेन का सेकेंड रीजन बन जाता है.
राइट, जितना आप हैवी खा के सोओगे उतना नींद और नहीं आएगी. सो यू आर स्टक इन दैट विशियस साइकिल. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दो स्लीपिंग पिल्स, आपको नेचुरली मेलाटोनिन हार्मोन कैसे सिक्रिएट कराना है उसके बारे में सोचना है, विच मीन्स आपको एक डार्क एनवायरनमेंट, क्लोज एनवायरनमेंट में सोना है, रूम की लाइट्स बंद हो जाए, जहाँ पर कोई भी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिसन टू इट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर आपका कोई भी गैजेट्स ना हो. आप ये भी फ़ोन देख रहे हो, दूसरे रूम में रखा हो उसको, अपने आप धीरे धीरे नींद आने लगेगी. आप कुछ भी, जिस भी स्पिरिचुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जिसको भी आप मानते हो, आप भजन करिए, सिमरन करिए, कीर्तन करिए, जिसको भी आप पावर को मानते हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, इट काम्स योर माइंड और ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्स्ड फील होता है एंड यू डोज ऑफ टू बेड. बट उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी के साथ वन मोर रिमाइंडर, कम लोग हैं काफ़ी फेसबुक पर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि हमारे साथ और ज़्यादा लोग जुड़ सके और सबकी हेल्प हो सके. हो सकता है किसी को क्वेश्चन मैं आंसर कर रही हूँ वो आपका क्वेश्चन भी हो, मैम कैसे स्टमक कम कर सकते हैं, टेल मी. बेली फैट के बारे में डियर मैंने डिटेल में लाइव किया हुआ था, तो आप उसको ज़रूर देखिए, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल. बाकी जैसे मैंने बताया, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज रूटीन होना अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत हेल्प करता है. चाहे आप वॉक ही क्यों नहीं कर रहे हो मेरी तरह, बट दैट रियली हेल्प्स. कविता जी बोल रही है, मैम हॉलीडे में डाइट कैसे कंट्रोल करें, प्लीज़ कुछ टिप्स बताएं. सी, यू हैव टू मेक इट अ लाइफस्टाइल, चाहे वो हॉलीडे है, चाहे वो आपका वर्किंग डे है, चाहे कोई गेस्ट आ गए हैं, चाहे आपकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, एक वो आपका रूटीन बनना चाहिए. सो यू गो विद द फ्लो. ऑल डेज आर नॉट द सेम, राइट, लाइक लाइफ इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, हर दिन एक जैसा नहीं होने वाला. लेकिन आपका पैटर्न वैसा होना चाहिए कि आपके पास चॉइस ही ना हो, आप वो बिस्किट नमकीन अपने पास रख ही नहीं रहे हो, चॉकलेट्स रख ही नहीं रहे हो, कि वो आपके पास एक ऑप्शन है. तो आप चूज भी करोगे अगर कुछ, जब बनाने का टाइम नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा या इजी फील हो रहा है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, तब भी आप हेल्दी में से ही कुछ चूज करोगे. सो डोंट गिव योर सेल्फ एन ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे कितने लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं. अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, फिर अ वेजिटेरियन, यू नेवर गिव योर सेल्फ एन ऑप्शन कि मैं नॉन वेज फूड खा सकता हूँ. एम आई राइट और नॉन राइट? आप खाते ही नहीं हो, तो आपको क्रेविंग होती है, आप बोलते हो कि मुझे नॉन वेज की क्रेविंग हो रही है, राइट? नहीं होता. सिमिलरली, डोंट गिव योर सेल्फ एन ऑप्शन टू ईट जंक फूड. इफ यू डोंट गिव योर सेल्फ एन ऑप्शन टू ईट जंक फूड, तो आपको क्रेविंग ही नहीं होगी. यू विल नॉट फील कि हाँ आज हॉलीडे है तो अब मैं कुछ खाऊंगा इस तरह से जंक फूड, तभी मुझे बेटर फील होगा. घर में ही वो हेल्दी रेसिपीज बनाकर खाइए, घर पे ही यमी फूड बनाकर खाइए. इतनी सारी मैं आपके साथ रेसिपीज शेयर करती हूँ, उसका इंटेंट ही ये होता है कि आप इंस्पिरेशन लो. और आप डाइट प्लान ले रहे हो, डाइट प्लान नहीं ले रहे हो, बट आप घर पे कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करो, वही बेसिक हमारे इंग्रेडिएंट्स से. ऐसा ना हो कि हम रेजोनेट करें घर का खाना मीन्स बोरिंग, अब कुछ एक्साइटिंग खाना है, माइंड रिफ्रेश करना है, मूड एनर्जाइज करना है, तो कुछ बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा या बाहर जाकर खाना पड़ेगा, राइट? सो वी हैव टू चेंज द थॉट प्रोसेस प्लस प्रेजेंटेशन. हम इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि राधे राधे जी, कोई बोल रहा है उषा जी कि प्रेजेंटेशन, अरे ऐसे ऐसे खा लो. अभी आज मेरे पास किसी का इंक्वायरी के लिए फ़ोन आया कि मैम मैं घबरा गई कि आप बड़े मुश्किल मील्स देते हो शायद लोगों की, तो आप क्लाइंट की पिक्चर्स डालते हो बड़ी, वो ऐसा लगता है कोई होटल से मील आया है. मैंने कहा मुश्किल नहीं होता मीन्स, राइट, बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन वो भी मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं मेरे क्लाइंट्स. जिस तरह से मैं उनको समझाती हूँ कि इस तरह से आप प्रेजेंट करिए, तो वो भी वो खाने को प्रेजेंट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजने का मन करता है. यू वांट टू टॉक इट आउट टू द एंटायर वर्ल्ड कि मेरे डाइट में ये दिया गया है. अदरवाइज आप एक कोने में छुप कर, वो बोरिंग से आपको खाना है कि दलिया खाना है, या आपको लग रहा है खिचड़ी खाना है या ओट्स का चीला खाना है, आप खुद बना के खा रहे होते हो, रागी की रोटी खानी है, आपको लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं कि कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, खुद भी मन मार के खा रहे होते हो और आपको किसी को कुछ खाने का मन नहीं करता. बट वेन योर फूड लुक्स एपिटाइजिंग, वेन योर फूड लुक्स इंटरेस्टिंग, आपको खुद भी खाने का मन करता है, आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनका खाने का भी मन करता है और आपको मजा आता है कि मैं सबको दिखाऊं. इसीलिए मेरे क्लाइंट्स जो फूड पिक्चर्स भेजते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं, एपिटाइजिंग लगते हैं और आपको लगता है कि बहुत खाने का मन कर रहा है. बट ऑफकोर्स नेसेसरली दैट इज नॉट डिफिकल्ट. गाइज, इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, मुझे ज़रूर बताइए अभी तक कितनी शेयरिंग हो गई है, मुझे कोई बताए यहाँ पर. और अगर 1K शेयरिंग फटाफट हो जाएगी तो आज ही आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा सरप्राइज. शालू जी बोल रही है, मिसिंग यू एंड योर यम्मी डिशेस, विल डेफिनेटली ज्वाइन आफ्टर रमजान. डेफिनेटली शालू जी, आपने अभी बंद किया हुआ है प्लान, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कि आप जल्दी से ज्वाइन करें. अबीर जी बोल रहे हैं, योर रेट हाउ मच? चार्जेस हैं मेरे 2000 फॉर वन मंथ. मैं यहाँ पर अपना नंबर भी पिन कर देती हूँ, यू कैन गेट इन टच विद मी. मेरा वेट 64 है और मैं 60 करना चाहती हूँ. मैं डेली फुल डाइट कर रही हूँ फिर भी कम नहीं होता. आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं सना जी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगी. मैम
मैंगो शेक ले सकते हैं, किसी ने पूछा. सी दैट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव, राइट. मैं मैंगो शेक लेना चाहती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, बट कोई भी चीज़ है मॉडरेशन में लेनी है आपको. जितना हो सकता है फ्रूट को आप होल फ्रूट एज अ होल फ्रूट मैंगो खाओगे ज़्यादा बेटर है, राइट. लेकिन रोज़ उसका शेक बना लोगे, जूस बना लोगे, तो क्या होता है उसका जो फाइबर होता है ना, जो उसका न्यूट्रिशन है वो लॉस हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर वेन इट कम्स टू फ्रूट, आप उसको हमेशा होल जितना ले सकते हैं लीजिए. वंस इन अ ब्लू मून आप बीच में वाटरमेलन स्लश बना के ले रहे हो, मेरे क्लाइंट्स भी बना के लेते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, ये सब बहुत मज़ा आता है उनको. आई हैव शेयर्ड योर 1K वीडियोज, थैंक यू सो मच सार्थक जी. इसी तरह से प्लीज़ शेयर करते रहिए और मुझे बताते जाइए कि आपने शेयर कर दिया है. तो आप वो सब करते हो, बट डेली आप इस तरह से लेने लग जाओगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड हाई हो जाता है आपकी बॉडी में, इंसुलिन स्पाइक देता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रूट की बात है तो आप उसको एज अ होल फ्रूट डेली बेसिस पे ज़रूर लीजिए. जब हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं तो उसको आप जूस बना के ले रहे हो, सूप के फॉर्म में ले रहे हो, दैट डज वंडर्स फॉर यू. एंटी ऑक्सीडेंट रिच है क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज होता है. हम उसको वेजिटेबल्स को इस तरह से नहीं खा सकते बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में कि हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, राइट. तो उसका हमें जूस बना रहे हैं, हम उसका सूप बना रहे, दैट्स रियली गुड. लेकिन आप फ्रूट को जितना हो सकता है एज अ होल फ्रूट खाने की कोशिश करें. पपाया का जूस ले सकते हैं क्या? सी होल, वही बात है ना, पपाया को चू करके खाइए, उसके ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे. कई बार ना मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं प्रेगनेंसी में, अंडर जब प्रेगनेंट होती है फीमेल ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं मुझे बताया गया है डॉक्टर ने या किसी ने मुझे बताया है कि अनार का जूस लो. आई ऑलवेज रिकमेंड दैम कि आप उससे बेटर है अनार खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, आप फ्रूट खाइए. एंड ट्रस्ट मी, जो लोगों को मेरे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं, अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया है, वो इंसुलिन लेवल्स भी कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर फ्रूट जूसेस, ऑप्ट फॉर अ फ्रूट टिल द टाइम यू हैव टीथ इन योर माउथ. शेयर डन. शंपा जी बोल रही है आपके नाम के आगे टैग भी आ रहा है, जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और आपकी जो क्वेरीज है वो भी पूछते रहिए. और मुझे ये भी ज़रूर बताते रहिए कमेंट्स में, पढ़ रही हूँ कि आपका नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेटिव टॉपिक देखने का मन है जो मैं ट्यूजडे को वीडियो बनाऊँ. मुझे प्लीज़ टॉपिक के बारे में बताइए, आप क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में हम बात करें, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में. ईटिंग श्रीखंड राइट नाउ, प्रज्ञा जी बोल रही है, वेरी गुड, अमेजिंग. What is the best alternate for refined sugar in baking, especially with PCOS? आप मेरे केक्स की, मफिन्स की मैंने बहुत रेसिपीज़ डाली हुई हैं, प्लीज़ आप चेक करें. मैं आपके साथ YouTube पर, Facebook, Instagram शेयर करती रहती हूँ, जाकर वो चेक करिए. रिफाइंड शुगर किसी में यूज़ नहीं करी है, मैदा किसी में यूज़ नहीं करा है, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टेस्ट आप डेफिनेटली उसको इन्जॉय कर सकते हो. बट जैसे आप बोल रहे हो PCOD है, मॉडरेशन इज द की, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. हम उसको हेल्दी सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस कर रहे हैं, डजेंट मीन कि हम वी स्टार्ट गेटिंग ओवरबोर्ड, हम पूरा का पूरा केक खुद खा लें. क्वांटिटी का आपको ज़रूर ध्यान रखना है. हाइपोथायरॉयड के लिए डाइट प्रोवाइड करते हैं क्या मैम? कनक जी बोल रहे हैं बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, थेरापेटिक डाइट, चाहे आपको PCOD हो, चाहे थायरॉयड हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर हाई है, आपको कोई भी इस तरह के इश्यूज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, फैटी लिवर है, कुछ भी इस तरह के इश्यूज़ है, आपको डाइट प्लान हर इश्यूज़ के लिए दी जाती है, जो भी आपके मेडिकल कंसर्न्स हैं. प्लीज़ मेक वीडियो फॉर जॉइंट पेन, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, नीरज जी बोल रही है. आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, पिन किया हुआ है, प्लीज़ आप कंसल्ट करिए. मेरा 68 kg वेट है, मुझे 10 kg वेट लॉस करना है. श्रेया जी प्लीज़ यू कैन कनेक्ट विद मी, आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान दिए जाएंगे उसके जिसके थ्रू आपका वेट लॉस हो सकता है. और आपकी कोई क्वेरीज डाइट में क्या खाना चाहिए, डाइट में जितनी सारी मैं रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ, जितना हो सकता है होल फूड्स खाइए, जितना हो सकता है पैकेज फूड अवॉइड करिए, बिकॉज ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा. सो राइट, अगर आप बेली फैट से परेशान हो, जो कि बहुत लोगों के यहाँ पे कंसर्न्स आते हैं, रेगुलर बेसिस पे मेरे पास आते हैं. सो गाइस, जितना आप वो चिप्स खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, डाइट नमकीन खा रहे हो, ये सब चीज़ें जो खा रहे हो पैकेज्ड फूड, वो कम्प्लीटली अवॉइड करिए. और जितना आपके किचन में फ्रेश खाना बन रहा है वो खाइए. वेट स्टक हो गया है मखीजा रिया 635. आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, थोड़े दिन पहले मैंने लाइव वीडियो किया था स्टक वेट को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ना एक प्लाट्यू आ जाता है. आप चाहे नॉर्मल घर का खाना खा रहे हो, मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम मैं नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ फिर भी वेट रिड्यूस नहीं हो पा रहा है आगे, क्योंकि हम सिमिलर वही खाना खाते जा रहे हैं, बॉडी भी अकस्टम्ड हो जाती है, आप भी यूज्ड हो जाते हो, आपको याद हो जाता है कि अब द मेन्यू इज सो प्रिडिक्टेबल, द बॉय योर बॉडी इज वेरी स्मार्ट टू प्रिडिक्ट दैट, राइट. ऑटोमेटिकली वो प्लेट्यू स्टेज से निकालने के लिए योर बॉडी नीड्स दैट पुश एंड ट्रिगर कि कुछ डिफरेंट चीज़ें आएँ. हनी जी बोल रहे हो लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच.
तो आप वो अगर चाहते हो, इसके लिए आपको जितना हो सकता है अपनी फूड मेन्यू में वैरायटी डाइवर्सिटी लानी बहुत ज़रूरी है, जो कई बार खुद से हम नहीं खा पाते हो। हमारा एक सर्टेन मेन्यू होता है, सर्टेन टाइप की चीज़ें फैमिली में बन रही होती हैं, तो आपको समझ में नहीं आता क्या चेंजेस लेके आए। हेंस आई कम फॉर योर रेस्क्यू। आप ज्वाइन कर सकते हैं डाइट प्लान, अमेजिंग खाना भी खाते हो, वैरायटी भी मिलती है और स्टिल वेट रिड्यूस भी करते हो। ट्रस्ट मी, बहुत सारी गर्ल्स होती है जिनको कुकिंग नहीं आती है, बॉयज़ होते हैं जिनको कुकिंग नहीं आती है। ट्रस्ट मी, देयर पेरेंट्स आर सो हैप्पी एंड रिलीव कि मेरे बच्चे को कुकिंग करना आ गया, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। एंड ट्रस्ट मी, जब वो एक आपने मील बना ली ना, आपको दिख रहा है कि इसमें ये एफर्ट गया, मैंने आधा घंटा किचन में बताया, गर्मी में मैंने ये बनाया है, यू विल नॉट बी अ फसी ईटर एनी मोर, यू विल वैल्यू वॉट यू कुकिंग, राइट। आपको पता चल जाएगा घर के खाने की क्या वैल्यू है और आपकी वो जो क्रेविंग्स होती है ना बाहर के खाने को लेके, वो भी अपने आप कम होने लग जाएंगी। सुष्मिता जी बोल रही हैं, मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करें? पीसीओडी के लिए मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत बार लाइव वीडियोज़ बनाई हैं। बाकी डाइट प्लान्स होते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान में रखें जितना हो सकता है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, प्रोसेस्ड फूड आप अवॉइड करिए जितना हो सकता है, घर का खाना आप खाइए। डेयरी, कई बार आपको बोला जाता है पीसीओडी में, आप रिस्ट्रिक्ट करिए, यू जस्ट हैव टू इंश्योर ऑर्गेनिक सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हो। अदरवाइज डेफिनेटली आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जितना हो सकता है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करिए आपके, अगर आप वो भी पैकेट का खुला हुआ खा रहे हो, जो भी अगर आप, चाहे दूध है कुछ भी है घर पे, आप अगर आपके पास अवेलेबल है कि कोई आपके पास ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, या फिर आजकल बहुत इजीली बनता है कोकोनट मिल्क है, आप घर पे बना सकते हो। अगर इस तरह का आप वीडियोस चाहते हो तो मुझे बताना, मैं आपको वो भी बताऊंगी घर पे इजीली कैसे कोकोनट मिल्क बना सकते हो। क्योंकि जिस तरह से फीमेल्स को इश्यूज होते हैं कि पीसीओडी, इस तरह के हॉर्मोनल इश्यूज़ हैं, तो दैट इज़ रियली सेफ, पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो, बहुत इकोनॉमिकल रहता है, इजीली आप बना सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो, एंड टेस्ट वाइज ऑल्सो इट्स अमेजिंग। तो वो करने की जगह कि आप बाहर का पैकेट वाला वो कोकोनट मिल्क लो, आलमंड मिल्क लो, ट्रस्ट में अगेन इट इज़ बेस्ड ऑफ आउट ऑफ प्रेजर्वेटिव ओनली, राइट। फिर वो आप अगेन उसी चीज़ में ही चले जाते हो, पैकेज लेने चले जाते हो, वो अवॉइड करिए, हो सके तो बिल्कुल घर पे बनाइए। अगर इस तरह की वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शिवानी जी बोल रहे मैम शेयर प्लीज़, इसी तरह से वीडियो शेयर करते रहिए। और आपके समथिंग फॉर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो, प्रज्ञा जी किस तरह का क्या वीडियो आप वो बताएं। नीरज जी बोल रहे हैं मैम तो बहुत कम, मैं तो बहुत कम खाती हूँ, मैं दिन में खाली एक ही रोटी खाती हूँ। नीरज जी, कम खाने से कभी भी वेट लॉस नहीं होता, यू नीड टू ईट इन एडिक्वेट अमाउंट। जितना कम खाते हो उतना आपका BMR, विच इज़ लाइक बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो और कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, विच मीन्स आपकी बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रीक्वेंटली रेगुलरली स्मॉल इंटरवल्स पे स्मॉल मील्स लेते रहें, श्योर, राइट। तो उससे आपका BMR भी इम्प्रूव होता है और आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस फास्ट होता है। बट ईटिंग लेस डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपका वेट रिड्यूस होने लग जाएगा। निकिता जी हाय, हेलो मैम, डाइट से वी कैन क्योर PC पस फिल्ड एक्नी एंड पिगमेंटेशन। सी अगेन, रीज़न पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर ऐसी चीज़ है आपने डर्मेट को ज़रूर कंसल्ट करिए कि क्या रीज़न हो रहा है। बट अगर डाइट रिलेटेड है, अगर आप बहुत ही एसिडिक फूड्स ले रहे हो, अगर उस जिसकी तासीर गर्म है उस तरह का खाना ले रहे हो, तो ये चीज़ें और ट्रिगर करती है। उस टाइम पे जितना हो सकता है जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं, जितना अल्कलाइन फूड्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, वो लेने ज़रूरी हैं, तो ऑटोमेटिकली इससे आपकी हेल्प होगी। पूजा जी बोल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए अच्छा है क्या? पूजा जी, इसके ऊपर मैंने डिटेल में लाइव का बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था लोगों का, तो आप वो जाकर ज़रूर देखिए। अगर आप बहुत हार्श विंडोज़ फॉलो करते हैं कि आप 16 घंटे फास्टिंग कर रहे हो, आप 18 घंटे फास्टिंग करते हो, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ। बाकी 12 घंटे से 14 घंटे अगर आप फास्टिंग विंडो है वो आप डेफिनेटली फॉलो करिए, और उससे अच्छा रहता है आपकी बॉडी की सिस्टम के लिए, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्लींजिंग के लिए। बट इट इज़ जस्ट अ डाइट पैटर्न, राइट। इंटरमीडियंट फास्टिंग डजेंट प्रोफेसाइज ऑन वॉट यू आर ईटिंग, राइट। तो सिर्फ एक फास्टिंग विंडो और ईटिंग विंडो डिसाइड कर लेने से काफ़ी नहीं है, क्या आप खा रहे हैं वो एग्जैक्टली डिफाइन करेगा कि आपका कितना वेट लॉस होने वाला है, कैसा होने वाला है, और बाद में आप उसको कैसे मेंटेन करने वाले हैं। मैम, ब्राउन ब्रेड एंड मिल्क ले सकते हैं इवनिंग में? सी अगेन, प्रोसेस्ड फूड है, कुछ हेल्दी मील तो नहीं है। मिल्क एंड ब्राउन ब्रेड हेल्दी खाइए, जो कि यमी भी हो, फुलफिलिंग भी हो, अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं है, तो आप देखोगे इमिजिएटली ऐसे लगेगा कि पेट भर गया, उसके बाद इंसुलिन, क्योंकि वो स्पाइक देता है, उसके बाद जब इंसुलिन ड्रॉप आएगा तो इमिजिएटली आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ से फिर भूख लग रही है। सो अगेन, बहुत हेल्दी फूड नहीं है। थायराइड है, वेट कम नहीं होता, रोशनी जी बोल रही हैं।
आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रोशनी जी, आपको दो टैग मिले हुए हैं मेरे नंबर पे, आप प्लीज़ कंसल्ट करिए, आई विल हेल्प यू आउट. थायराइड में भी वेट लॉस हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डाइट सजेस्ट की जाती है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन विद टुडे, आई विल रैप टुडे सेशन. जल्दी ही मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताते जाइए कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, और ट्यूजडे को जो आपका मेजॉरिटी होगा, जो आप चाहते होंगे वो हम वीडियो बनाएंगे. एंड वन मोर रिमाइंडर, प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. ट्रस्ट मी, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, जो लोगों को नीड होती है इन्फॉर्मेशन की उन तक पहुंच पाती है. एंड डेफिनेटली आप लोग मेरे लिए इतना प्यार दिखाते हो तो मैं आपके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँगी, बहुत इस तरह की यम्मी यम्मी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी, अच्छा कंटेंट आप देखते रहेंगे, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच.